Hi everyone, I am Ridhar, you are watching Sky is the Limit. So in today's video, we are going to talk about WebG marks versus rank. So how many marks will come from WebG, how much rank will come. So it's a very important topic. You all are with me. And watch the video to the end so that you will come to understand. और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैं ये आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर पुराने मेरे दोस्त हैं, अब पहले से मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिए ताकि सबको पता चलने का मौका मिले कि WebG में कितना मार्क्स आने से कितना रैंक आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका वेब जी बहुत अच्छा गया है तो ज़रूर आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और अगर कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आज तो आपको रैंक पता चल जाएगा, आपका मार्क्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितना मार्क्स आपको आएगा, आप देख चुके हैं चेक करके। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अगर पता करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और वीडियो उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख लीजिए। तो आपको मार्क्स, रैंक और कॉलेज का जो सिस्टम है पूरा, ये थ्री जो सिस्टम है पूरा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जाके आप वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक पेज लेके लिख के रखा हूँ, उस पेज के अकॉर्डिंग आपको एक एक के बाद आपको कितना मार्क्स आने से कितना रैंक आएगा बोलता जाऊँगा। आप नोट भी कर सकते हैं, आप सुन के भी याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको 150 आपका रैंक आया, 150 आपका मार्क्स आया, तो 150 अगर मार्क्स आया तो आपका जो रैंक होगा वो 100 के अंदर होगा, 100 के अंदर होगा, 1 से 100। अगर आपका रैंक 130 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा और 150 से कम हुआ तो आपका जो रैंक है वो 300 तक हो जाएगा। अगर आपका जो मार्क्स है वो 100 हुआ तो 100 हुआ तो आपका जो रैंक रहेगा वो 900 से 1200 तक रहेगा। अगर आपका मार्क्स 80 से 90 तक रहेगा, जो कि 40% या 30-35% स्टूडेंट का रहता है इस बीच में, 80 से 90 तक अगर आपका मार्क्स है तो आपका रैंक होगा 2500 से 4000 तक। अगर आपका मार्क्स 50 से 60 तक हुआ, जो कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को यही मार्क्स मिलता है 50 से 60 के अंदर, तो अगर 50 से 60 के अंदर आपका रैंक हुआ तो आपका मार्क्स हुआ तो आपका जो रैंक होगा वो होगा 8000 से 13000 तक। तो उसके नीचे तो आपको पता है, उसके नीचे अगर आपका रैंक हो गया तो आपका बहुत अच्छा कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको 30 से 50 तक आपका मार्क्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक जो आएगा वो 30000 तक आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको भी पता लग ही रहा है रैंक सुन के। और अगर आपका रैंक 20 से ज़्यादा और 20 से कम हुआ तो आपका जो रैंक रहेगा वो 35000 से 50000 तक आ जाएगा, जो भी बहुत हाई है। और अगर आपका रैंक मार्क्स 50 ऐसा कुछ आया या 50 से ज़्यादा आया, 50 से कम आया, तो आपका जो रैंक आएगा वो एकदम लास्ट में होगा या फिर 70 या 80000 तक आपका रैंक होगा। तो ये है पूरा मार्क्स वर्सेस रैंक। और अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जाना है तो हम मैंने पहले भी बोला है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।